अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी टू पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना सीखा था। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसका फार्मूला बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में हर साल आते हैं, जिनमें से एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था सैटरडे वाले दिन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइंस। यानी अगर टू पॉइंट्स दिए जाए तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो हम इनके फार्मूला का डिफरेंस याद कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला था डी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसी तरीके से मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू m। m मीन मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये बेटा दोनों फार्मूले हैं। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये इस चैप्टर के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फार्मूलाज को मिक्स कर देते हैं टू, क्योंकि वो इनको अच्छे तरीके से याद नहीं करते। वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूले को बार बार देख के लिख लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इनको ये आ गया। लेकिन जैसे ही टेस्ट में या बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि फार्मूला याद नहीं किया होता, इसलिए वहाँ पर फार्मूला गलत लगाने की सूरत में आपके नंबर कट जाते हैं या वो पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से याद करना, उनके डिफरेंस भी माइंड में रखने। देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस फार्मूले में अंडर रूट आता है, मिड पॉइंट के फार्मूले में अंडर रूट नहीं आता। दूसरा इसका डिफरेंस क्या हो सकता है कि डिस्टेंस के अंदर जो दो वैल्यूज दी जाती है उनको माइनस किया जाता है, उनके बिटवीन माइनस का साइन आता है, डिस्टेंस के अंदर उनके बिटवीन प्लस का साइन आता है। तीसरा जो मेन डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं कि जिन वैल्यूज को माइनस कहते हैं उनके बिटवीन प्लस का साइन होता है, और यहां पे जिन वैल्यूज को प्लस कहते हैं आप लोग उनके बिटवीन कोमा होगा। ये तो ये तीन डिफरेंस अगर आप याद रख लेते हैं, और चौथा डिफरेंस अगर आप उसके से याद रखें डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, और मिड पॉइंट के लिए पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर हमें ए बी दिया गया है, अगर कोई यहाँ पे सी डी लिख देता है तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो इस तरीके से आपने फार्मूला को पहले अच्छे तरीके से याद किया, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटली डिस्टेंस की तरह का है, लेकिन जहां से फार्मूला लगेगा वहां से चेंज हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है। जब तक ये फार्मूले आप नहीं याद करेंगे आपको क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले फार्मूला को अच्छे तरीके से याद करें, जब फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए तो उसके बाद आपने इनके ऊपर फार्मूले लगा के इनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं जी, जैसा आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि जो ए पॉइंट होता है उसके कंपोनेंट एक्स वन और वाई वन होते हैं, और जो बी पॉइंट होता है उसके कंपोनेंट एक्स टू और वाई टू होते हैं, जिस तरह डिस्टेंस पे थे। यानी स्टार्टिंग दोनों की सेम है जी। सॉल्यूशन एक्स वन वाई वन, हमने कहा था जो भी पहला पॉइंट होगा उसके कंपोनेंट एक्स वन वाई वन होंगे। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वाई की, तो एक्स वन क्या देगा थ्री और वाई वन क्या देगा माइनस इलेवन। इसका दूसरा पॉइंट जो होता है मैंने कहा था कि उसके कंपोनेंट एक्स टू वाई टू होंगे, सो एक्स टू और वाई टू, तो एक्स टू पहली रकम होगी और y2 दूसरी रकम होगी। तो इसी तरीके से x1 y1 हम डिस्टेंस में भी निकालते थे। अब जब डिस्टेंस का सवाल आता है तो इसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं,
आपको क्या मिड पॉइंट कहते हैं, तो लिहाजा कौन सा बात पता लगा सके, मिड पॉइंट। ये स्टेटमेंट लिखनी आप लोगों ने, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम, इक्वल के बाद एम लिखना है, इक्वल से पहले नहीं एम लेते हैं, क्योंकि एम का मतलब है कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट, वो हम मिड पॉइंट का पॉइंट फाइंड करते हैं जो इन दोनों पॉइंट के दरमियान में आएगा सेंटर में, उसको हमने फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू ऑल ओवर टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू ऑल ओवर ब्रैकेट क्लोज। ये स्मॉल ब्रैकेट से भी लाते दिखाते हैं, अगर आप ये भी नहीं दिखाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आप उसमें मिड पॉइंट फाइंड करें। सो बेटा ये एलटी चलता जाएगा साथ साथ, एक्स वन की वैल्यूज क्या है थ्री प्लस एक्स टू की क्या है थ्री डिवाइडेड बाय टू कोमा वाई वन की वैल्यूज क्या है माइनस इलेवन प्लस वाई टू की वैल्यूज क्या है माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू। अब बेटा इनको प्लस करते हैं, थ्री प्लस थ्री सिक्स ओवर टू आ गया, इसी तरीके से माइनस इलेवन माइनस फोर। अब सर हमें पता है कि जब सेम साइन होते हैं तो वैल्यूज को प्लस करते हैं, इलेवन और फोर फिफ्टीन हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा माइनस फिफ्टीन ओवर टू। मजीद बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, सिक्स को टू पे डिवाइड किया थ्री आ गया और माइनस फिफ्टीन को टू पे डिवाइड करेंगे तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव आ गया। यहाँ पे आप पॉइंट का आंसर देख सकते हैं, और अगर कोई बच्चा पॉइंट में नहीं लिखता ओवर में रहने देता तो वो भी ठीक होगा। और ये वैल्यू कैसे साथ आ रही है, मिड पॉइंट ऑफ ए। तो ये बेटा देखिए हमने टू पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड किया है, जो हमारे पास आया है थ्री माइनस सेवन पॉइंट फाइव। तो इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए हमारे पास है थ्री माइनस सेवन और बी हमारे पास है थ्री माइनस फोर। हमें मालूम है कि जो ए के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वन वाई वन। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्री जो है वो एक्स वन हो गया और माइनस इलेवन जो है वो वाई वन, हमने लिख दिया एक्स वन और वाई वन। इसी तरह बी के कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एक्स टू वाई टू। तो आप लोग देखें कि एक्स टू क्या है हमारे पास थ्री और y2 हमारे पास क्या है माइनस फोर। तो इस तरीके से x2 और y2 की वैल्यूज है। अब हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB, हमने AB का मिड पॉइंट निकाला है। जब हम AB का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसका फार्मूला पहले राइट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू m, m कैपिटल लिखना है स्मॉल नहीं लिखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के जितने भी अल्फाबेट यूज होंगे वो सारे कैपिटल होंगे। एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। फिर हम बेटा इनके अंदर एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई टू करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसी तरीके से इधर वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू है तो वाई वन की फिर वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे और फिर टू पे डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जो डिस्टेंस फार्मूला था उसमें एक्स टू पहले आता है एक्स वन बाद में आता है, जबकि जो मिड पॉइंट का फार्मूला उसके एक्स वन पहले और एक्स टू बाद में आता है। तो अक्सर बच्चे फार्मूला सही लिखते हैं लेकिन जब वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं जैसे एक्स वन वाई वन की पुट कर दी तो वो माइनस फोर पुट कर देते हैं और वाई टू की जगह पे माइनस इलेवन कर देते हैं। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना क्योंकि ये मिस्टेक कंसिडर की जाएगी, एग्जाम्पलर यहाँ से इसके नंबर कट कर सकता है। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी है और ये फार्मूले हर बच्चे को समझिए आप चाहिए। जब ट्यूसडे वाले दिन में आऊँगा हम लोग क्लास में तो मैं आपसे आते साथ ही सबसे पहले डिस्टेंस और मिड पॉइंट का फार्मूला सुनूंगा भी और कुछ बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर बुलवा के जबानी लिखवाऊंगा। तो आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार कर दिया,
असाइनमेंट नंबर टू है बेटा जी, पॉइंट ई मिड पॉइंट बिटवीन नंबर वन, ए हमारे पास है 9 2, बी है 7 2, सेकेंड है ए है 2 माइनस 6 और बी है 3 माइनस 6, थर्ड पार्ट हमारे पास है जी ए है -8 1 और B 6 1, फोर्थ पार्ट बेटा जी हमारे पास है ए -4 9 और बी है -4 -3, और फिफ्थ पार्ट हमारे पास है ए है 0 0 और बी है 0 -5। तो ये बेटा हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के जो आपने कंप्लीट कर दी। मैंने सैटरडे को भी असाइनमेंट दी थी और मंडे की असाइनमेंट, ये दोनों असाइनमेंट ट्यूसडे वाले दिन चेक की जाएगी। आपने अपने नीट रजिस्टर जो अकेडमी में आपको लगाए गए हैं जिस पे आप सिर्फ मैथ का काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर आपने ये डिस्टेंस और मिड पॉइंट की जो असाइनमेंट है ये कम्प्लीट करके करनी है बेटा। और मैंने पहले भी बताया था डिस्टेंस और मिड पॉइंट के क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही होंगे, फर्क सिर्फ फार्मूले का होगा। जब डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करने हैं, जब मिड पॉइंट कहेगा तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करने हैं। उसकी मर्जी है, वो ये भी कह सकता है फाइंड डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट, और एक ही सवाल देते तो पहले उसका आपने मिड पॉइंट निकाल देना है या डिस्टेंस निकाल देना है, फिर आपने उसका मिड पॉइंट निकाल देना। तो बेटा इंशाल्लाह